देश के चुनिंदा शहरों में 5G की शुरुआत होने के बाद मध्य प्रदेश में सबसे पहले उज्जैन के महाकाल लोक से इसकी शुरुआत होने जा रही है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में महाकाल लोक में 5G की सुविधा मिलने लगेगी, लेकिन शहरवासियों को 3 महीने का इंतजार करना होगा। इसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा गुरुवार को त्रिवेणी संग्रहालय के सभा कक्ष में महाकाल लोक में लगाए जाने वाले 5G नेटवर्क की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छा के अनुसार प्रदेश में 5G नेटवर्क की शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले ये सुविधा महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी और इसकी शुरुआत श्री महाकाल लोक से होने जा रही है। इस तारतम्य में भोपाल से आई निजी टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने ऑप्टिकल फाइबर प्लान के जरिए 5G नेटवर्क स्थापित किए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक की। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि बैठक में कंपनी के अधिकारियों के द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई कि श्री महाकाल लोक में विभिन्न स्थानों पर पोल्स लगाए जाएंगे, साथ ही इक्विपमेंट रेक सपोर्ट सिस्टम लगाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा मंदिर समिति के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ समन्वय कर श्री महाकाल लोक में पोल लगाए जाने हैं तो स्थान चिन्हित किए जाएं। कलेक्टर सिंह ने कहा कि कंपनी को पोल लगाने की परमिशन शासन स्तर से प्राप्त हुई है, वहीं पर ही कंपनी के द्वारा पोल लगाए जाएंगे। श्री महाकाल लोक के पश्चात शहर की विभिन्न कॉलोनियों में भी 5G नेटवर्क के अंतर्गत टावर लगाए जाना प्रस्तावित है। महाकाल लोक के समीप बनाई गई सरफेस पार्किंग को भी 5G नेटवर्क एरिया में शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 मीटर 6 मीटर और 12 मीटर के पोल लगाए जाएंगे और दिसंबर के प्रथम सप्ताह से 5G की सेवा मिलना शुरू हो जाएगी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में 5G सर्विसेज की शुरुआत श्री महाकाल महालोक से होनी है और इस संदर्भ में रिलायंस की टीम के साथ में हमारी टीम कई दिनों से तैयारी कर रही थी। सर्वे का काम चालू था, हम लोगों ने कहां कहां पर डिवाइसेज लगनी है वो स्थान आइडेंटिफाई कर लिए हैं। वाईफाई भी 58 जगहों पर लगने हैं श्री महाकाल महालोक में, उनके भी स्थान आइडेंटिफाई हो गए हैं और जो इंस्टॉलेशन का काम है वो एक दो दिन में रिलायंस के द्वारा चालू कर दिया जाएगा। उसी आगामी 12-15 दिनों में हम लोग इस स्थिति में होंगे कि सर्विसेज को प्रारंभ किया जा सके। देखिए शुरुआत इसके श्री महाकाल महालोक से होगी और अगले मैक्सिमम 2-3 महीनों के अंदर पूरे उज्जैन शहर को भी इसकी सौगात प्राप्त होगी।